बस जा रहे हो गया जरूरी काम। अच्छा क्या देखा आपने यार? तूफान देखने के लिए आए, कैसे आएगा? तो आ गए हो, कराची की हवा में ये रुकने वाली थोड़ी है। ट्रक का मजाक बनाने वाले लोग बहुत हैं दोस्त। सुंदर सही है, नॉर्मल रूटीन के मुताबिक है। इस टाइम काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए समंदर पे, जो कि समंदर की लहरें बिखरी हुई हैं। हम लोगों से पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से? सर लोग जो हैं, गवर्नमेंट हिदायत कर रही है कि घरों में रहें, आप घर से बाहर आए हुए, क्या देखने आए? तूफान देखने के लिए आए, कैसे आएगा? तूफान देखने आए, कैसे आएगा? ये मेरे भाई हैं जो देखने आए, तूफान कैसे आएगा? तूफान बोलेगा भाई मैं आ रहा हूँ, इधर आना, ऐसे आएगा? अब ये नहीं पता कैसे आएगा, पानी देखने के लिए आए काफ़ी सालों बाद। काफ़ी सालों बाद पानी देखने आए। अच्छा कराची के लोगों को मैंने ये देखा कि अगर कहीं तूफान आ रहा होता है, बहुत शुक्रिया भाई, तो अमूमन लोग समंदर की तरफ से भाग रहे होते हैं और कराची वाले समंदर की तरफ आ रहे होते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि आया तूफान कहाँ आ रहा है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत से? सर क्या करने आए हैं? तूफान ही देखने आए हैं सबकी तरफ। ये भी भाई तूफान देखने आए हैं मेरे भाई। अच्छा जबकि सिंध गवर्नमेंट बोल रही है, बार बार आगाह कर रही है कि ये जो है वो सीवियर जो है वो स्ट्रोम है, तो बराए मेहरबानी घरों में रहें, सब गैर जरूरी काम से बाहर ना निकलें, तो आप इस टाइम जो है वो समंदर में देखते हैं जरूरी काम से आए? बस जा रहे हो गया जरूरी काम। अच्छा क्या देखा आपने यहाँ, क्या देखा? बस ये समंदर की लहरें। कैसा है समंदर? समंदर तो पहले भी अच्छा था, आपकी खैर थोड़ा डर लग रहा है। आज से पहले कभी ऐसा देखा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं देखा। बहुत बिखरा हुआ है, बिल्कुल बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी राय पता करेंगे। भाई आप कैसे आए हैं यहाँ पे? बस इंजॉय करने आए हैं सर, देखने आए हैं, इंजॉय करना है। लोग गवर्नमेंट बार बार हमारे को बोल रही है कि घरों में रहें, बस आ गए हैं। कराची की हवा में ये रुकने वाली थोड़ी है। अच्छा कराची की हवा रुकने वाली नहीं है, कराची की हवा को जैसी पता चलता है तूफान आ रहा है, तूफान बाद में आता है, लोग पहले समंदर पहले आ जाते हैं, एंजॉय करने आते हैं, देखने आते हैं। अच्छा तूफान को वेलकम करने आए हैं ये? अच्छा तूफान को, भाई ये भाई हमारे आए हैं तूफान को वेलकम करने के लिए। हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये तूफान जो है वो किसी तरीके से टल जाए, क्योंकि इस तूफान के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये बहुत सीवियर है, इससे तबाही का बहुत ज़्यादा खदशा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस तूफान को जो है वो साथ खैरियत निकाल दें यहाँ से। हमारे साथ और भाई मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? भाई क्या करना है यार? देखने हैं समंदर के सूरत हाल। कैसी देखी आंखों से? नहीं नहीं, क्या लग रहा है आपको, समंदर कैसा है? बिखरा हुआ नजर आ रहा है आज? काफी बिखरा हुआ है, काफी बिखरा हुआ है। आज से पहले कभी मैंने तो नहीं देखा इस तरीके से बिखरा हुआ। यार मेरे को भी यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 11 साल हो गए, मैंने भी आज से कितना समंदर को ओवरफ्लो होते हुए नहीं देखा। अल्लाह से यही दुआ है कि बस खैर और आफियत हो, आसानी वाले मामला अल्लाह ताला रखे। अल्लाह ताला बेशक रखे, आमीन। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी वाले मामला रखे। मजाक बनाने वाले लोग बहुत हैं दोस्त, बस अल्लाह ही इनको हिदायत दे, बाकी अल्लाह ही रहम करे। सूरत हाल तो बड़ी बिगड़ी हुई लग रही है, और सुना है कि तूफान की डायरेक्शन वगैरह भी चेंज हो गई है। तूफान की डायरेक्शन पहले गुजरात की साइड पे थी, अब माहरीन ये कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट केटी बंदर को हिट करेगा। जी वो इंटीरियर सिंध को हिट करेगा मेरे ख्याल से, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है कि अब जो है वो सीधा इंटीरियर सिंध को हिट करेगा, जिसके इफेक्ट जो है कराची समंदर पे बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। एग्जैक्टली कह ये रहे हैं माहरीन कि केटी बंदर को वो डायरेक्ट हिट करेगा, जिससे उसके सराउंडिंग के जो एरियाज हैं सजावल बदीन ठट्टा, जबकि कराची का मलीर डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है, लोगों को सी व्यू के साइड पे जो फ्लैट्स हैं वहाँ से नकल मकानी का भी कह दिया गया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे साथ यहाँ पे एक और कपल मौजूद हैं, इनसे भी पता करेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह सामान वामान लेके आए हुए, सामान वामान लेके आए हुए, फुल इन्जॉय कर रहे हैं भाई यहाँ पे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर क्या इन्जॉय करने आए हैं माशाल्लाह से यहाँ पे? जी जी इन्जॉय करना है, जबकि सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अपने घरों में रहें, सेफ रहें, क्योंकि ये जो एक बहुत सीवियर स्ट्रोम है ये आम तूफानों से ज़रा हट के है, काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप जो है अपनी माशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ जो है यहाँ पे आए हुए? आने तो नहीं आए, खैर हम तो खाली देखने आए थे, एंजॉय करना है बस। कैसा नज़र आया आपको समंदर आज? समंदर सही है, नॉर्मल रूटीन के मुताबिक है। ये रूटीन के मुताबिक लग रहा है आपको? हाँ कोई तूफान तो नहीं लग रहा आपको? कोई तूफान नहीं लग रहा? नहीं, ये तूफान से पहले के जो असर हैं वो ये नज़र आ रहे हैं हमारे को। इससे पहले समंदर शांत रहता है, इतनी लहरें नहीं होती हैं। अमूमन आप देखें सेकंड बाय सेकंड एक के पीछे एक लहर आ रही है, वरना अमूमन इस तरीके से नहीं होता। और जिस तरीके से समंदर बिखरा हुआ है, बात सही है, जून जुलाई में लहरें आती हैं, तो ही जून जुलाई का महीना चल रहा है,
जून जुलाई अगस्त का महीना ऐसे में लहरें चढ़ती है समंदर के अंदर। अच्छा, इससे यानी कि तूफान का कोई लेना देना नहीं है बकौल आपके? देखिए, आना हो तो आ जाएगा, नहीं आ रहा है भाई, आना होगा, नहीं आ रहा है तो कहाँ है। अब देखें, आपके सामने खड़े लोग यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तूफान को जो है वो किसी तरीके से टाल दे। मेरे भाई बोल रहे कहाँ आया है ये, उससे आने के पहले जो है आफ्टर शॉक जो होते हैं अभी देखें, वो कह सकता है आ सकता है, कुछ कह सकता है ये कि असरात नहीं आए, हम तो यही बोलेंगे। अभी ये कह रहे हैं भाई, इस टाइम समंदर कराची से 300 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि ठट्टा से जो है वो 280 किलोमीटर और केटी बंदर से 270 किलोमीटर दूर रह गया है। ये एक बहुत ही नियरेस्ट आ चुका है। अमूमन लोग कह रहे थे लास्ट टाइम के समंदर जो है वो गुजरात से टकराएगा, डाइवर्जन चेंज हो चुका है, इस टाइम वो डायरेक्ट हिट करेगा केटी बंदर को। और जब केटी बंदर को हिट करेगा तो ठट्टा, बदीन, सजावल और मलीर डिस्ट्रिक्ट, ये इससे इफेक्ट हो सकते हैं। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया, आप इंजॉय करें, हमने आपको दखल अंदाजी की। अच्छा, यहाँ पर मीडिया वाले इस तरीके से आए हुए हैं और काफ़ी देर से हम इनको देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है वो अपने कैमराज वगैरह जो है वो लगा के खड़े हो गए कि भाई इस बार जो है वो हमने समंदरी तूफ़ान को वेलकम करना है और वेलकम करके ही लेके जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारा मीडिया यहाँ मौजूद है, यूट्यूबर्स काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, सारे हमारी तरह के जो यूट्यूबर्स हैं वो भी जो है वो यहाँ मौजूद हैं और आप लोगों को लाइव कवरेज यहाँ से दे रहे हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि समंदरी तूफ़ान जो है वो, जो इसको हम सीवियर स्ट्रॉम कह रहे हैं, ये काफ़ी सीवियर है, ये हल्का तूफ़ान नहीं है। तो लोग एहतियात करें, घरों में रहें, अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, तो बराए मेहरबानी हमारी इतनी मेहनत का सिर्फ आपसे एक सिला मांग रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।